अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 3, विषय हिंदी, विषयांग है वर्णमाला व्यंजन। बच्चों, अगले तास में हमने अभिनव हिंदी प्रवेशिका में ज वर्ण सीखा था। आज हम झ, कौन सा वर्ण सीखेंगे? झ वर्ण सीखेंगे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं अभिनव हिंदी प्रवेशिका। पढ़ो और लिखो, वांचो अने लखो। बच्चों देखो, यहाँ पर एक चित्र है। क्या है ये? ये क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर एक झरना दिखाई दे रहा है। दिखाई दिया बच्चों चित्र के अंदर? क्या है? झरना है। तो हमें आज कौन सा वर्ण पढ़ना है? झ वर्ण पढ़ना है। झ, झ से क्या होता है? झरना, यहाँ पर लिखा हुआ है। झ से झरना, यहाँ पर गुजराती में झ, आपको सबको पता ही है झ किस तरह से लिखा जाता है गुजराती में, इस तरह से लिखा जाता है। और हिंदी में हमें झ इस तरह लिखना है। किस तरह लिखेंगे? यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? झ, झ से झरना, झ से झरना, झ यहाँ पर लिखना है हमें। और क्या पढ़ना है? झ से झरना। और गुजराती में क्या बोलेंगे उसको? झरणू। क्या बोलेंगे? झरणू। चलो बच्चों आगे देखते हैं। झ ढूंढ कर उस पर गोल बनाओ, झ सोधीने तेना ऊपर गोल बनाओ। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या करना है हमें? झ ढूंढना है और उसके ऊपर हमें गोल बनाना है। जैसे कि यहाँ पर झ दिया है, क्या बना हुआ है? गोल। आपको भी अपनी पाठ्य पुस्तक में इसी तरह बनाना है। ग नहीं करना है हमें कुछ भी, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है? झ वर्ण ढूंढना है। तो हमें झ वर्ण जहाँ पर भी दिखाई देगा वहाँ पर हम क्या करेंगे? उसके ऊपर हम गोल बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ है, और पढ़ते भी जाएंगे हम। झ से झरना, झ से झरना। आगे देखेंगे, पढ़ो वांचो। क्या करना है? पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हाँ, झ से झरना पढ़ना है। यहाँ पर सूचना क्या है? रंग भरो, रंग पूरो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप अपनी पसंद का रंग भर सकते हो। झ से झरना। आगे देखो, बिंदुओं को मिलाओ, टपकाने जोड़ो। देखो बच्चों, यहाँ पर बिंदुओं को हमें मिलाकर क्या बनाना है? झ बनाना है, झ से झरना। पढ़ो और लिखो, वांचो अने लखो। तो क्या पढ़ना है और क्या लिखना है? हमें पढ़ना है झ से झरना, और लिखना भी है झ से झरना, झ से झरना। पढ़ते जाना है, लिखते जाना है। झ से झरना, झ से झरना, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह हमें तीनों लाइन में झ से झरना इसी तरह लिखना है और पढ़ना भी है। आगे देखेंगे, झ को झ से शुरू होने वाले चित्र से जोड़ो, झ ने झ थी शुरू थता चित्र साथे जोड़ो। तो बच्चों, यहाँ पर हमें क्या दिया है? झ दिया है। हमें क्या करना है? झ से शुरू होने वाले चित्र जो भी है उसके साथ हमें इस झ को जोड़ना है। जैसे कि झ से क्या है? झरना है। तो हमें झ से झरना इस चित्र को इसके साथ जोड़ना है। फिर है झ से झरोखा। बच्चों देखो, यहाँ पर झरोखा दिया हुआ है। क्या है? झ से झरोखा। समझ में आया बच्चों? आगे देखेंगे, झ से कौन सा चित्र बना हुआ है? तो झूला। क्या है? झूला है। तो झ से झूला, क्या होता है? झ से झूला। और झ से झंडा, क्या है? झ से झंडा। इसी तरह हमें एक रेखा बनाकर झ को इस चित्र के साथ जोड़ना है। आगे देखेंगे, झ के नीचे रेखा खींचो, झ ने नीचे लिटी करो। देखो बच्चों, हमें क्या करना है? झ के नीचे रेखा खींचनी है जहाँ पर भी झ दिखाई दे। इसी तरह हमें झ के नीचे रेखा खींचनी है। जैसे कि झरना, झरना में झ यहाँ पर है तो उसके नीचे रेखा खींचेंगे। झरोखा, यहाँ पर झ है तो वहाँ पर हम रेखा बनाएंगे। झूला,
आगे है झपाट, फिर है झमझम, फिर क्या है झलक। ज के नीचे हमें रेखा खींचनी है। ज से अलग वर्ण पर गलत करो, ज थी जुदा अक्षर ऊपर खुट्टू करो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो ज से अलग वर्ण आएगा तो उसके ऊपर हमें क्या करना है, गलत की निशानी करनी है। पढ़ो और लिखो, वांचो अने लखो। देखो बच्चों, यहाँ पर चित्र है, क्या लिखा है, झंडा। तो झंडा में हमें झ के ऊपर क्या करना है, सॉरी पढ़ना है, चित्र देखना है और पढ़ना है और यहाँ पर लिखना है झंडा। ज से जरोखा होता है, तो यहाँ पर चित्र भी दिया है और हमें पढ़ना भी है और हमें लिखना भी है। यहाँ पर भी है झ से झरना, तो झरना में हमें झ लिखना है, पढ़ना है। ज से झूला, तो हमें क्या करना है, पढ़ना भी है और लिखना भी। अब देखो बच्चों, शब्द में से झ ढूंढकर उस पर गोल बनाओ। शब्द माथी झ सोधी ने तेना ऊपर गोल बनाओ, तो झ ढूंढना है हमें। झटका यहाँ पर दिया ही हुआ है और गोल बनाया है, हमें यहाँ पर ढूंढना है। फुलझड़ी क्या है, फुलझड़ी में ज जहाँ पर दिखाई दे वहाँ पर हमें क्या करना है, उसके ऊपर गोल बनाना है। झटपट क्या है, झटपट में ज जहाँ पर दिखाई देता है उस पर हमें क्या करना है, गोल बनाना है। आगे देखेंगे समझ, ज के ऊपर हमें गोल बनाना है। समझ में आया बच्चों? इसी तरह हमें ज से झरना, ज से झरना, समझ में आया, पढ़ते जाना है और लिखते जाना है। आगे का जो अभ्यास है वो हम अगले क्लास में करेंगे। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में इसी तरह जिस तरह सूचना दी गई है उसी तरह करना है। अल्लाह हाफिज़।